आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हम सब यहां उपस्थित हुए हैं आप सबसे आग्रह करने के लिए कि आप हम लोगों के उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार श्रीमती रिंकी रानी पांडे जी को कमल के फूल का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाइए इस उपचुनाव में। यह हमें विश्वास रखते हैं और कुछ लोग तकरार करने में विश्वास रखते हैं। हम लोगों का यकीन है काम 12 साल से काम करने का मौका आप लोगों ने दिया है। हमने कभी समाज में न कोई विवाद उत्पन्न किया न तकरार पैदा किया। अपने काम के आधार पर आपसे अपील करने आए और बहुत ही एक भावनात्मक स्थिति जिस व्यक्ति को आपने 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया उनकी असामयिक मृत्यु होती यह बहुत ही दर्दनाक बात थी और वैसी स्थिति में हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि उनकी धर्मपत्नी को उम्मीदवार बनाया जाए और आपने उनके मुख से उनके दर्द को सुन लिया। तो मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि इस भावना को समझते हुए और जो हम लोगों ने काम किया उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना वोट दें। नहीं, आरजेडी को तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला तो अंत में उन्होंने अपना सीट कांग्रेस को दे दिया। आ कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी है कि हमको पूरा अनुभव हो गया। तो अब उन लोगों को यहां किसी को उम्मीदवार बना दिया, भाई अधिकार है जिसको बनाइए बनाइए। लेकिन आप बताइए यहां जब पिछली बार चुनाव हुआ तो आनंद भूषण पांडे जी जीते और दूसरे नंबर पर हम लोगों के उम्मीदवार प्रमोद जी। जब हम लोगों ने फैसला कर लिया कि हम लोग पूरे मन से सहयोग करेंगे रिंकी रानी पांडे जी को तो किसी को उम्मीदवार बनाने से वोट इधर से उधर जाएगा ये मुझको नहीं होने वाला। कोई काम आज तक नहीं किया, इतने दिनों तक काम करने का मौका मिला, क्या प्रभाव आपने पैदा किया? और राष्ट्रीय जनता दल के साथ चल रहे हैं, अब पार्टी में ही पूरा खलबली मची हुई है। रोज हम बयान देखते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के कई नेता लोग बोलते रहते हैं। तो जो अपनी पार्टी को ठीक से नहीं संभाल सकते हैं और ऐसा गठबंधन कर लिया है, भाई हम काहे अलग हटे? हमने जो रूप देखा, रंग देखा, जो तौर तरीका देखा, हमने कोशिश की चलाने की और किसी दबाव में हम नहीं आए। लेकिन हमने देख लिया कि अब हालात ऐसी होती चली जा रही है। हमारी प्रतिबद्धता है सेवा के प्रति और कुछ लोगों की प्रतिबद्धता है मेवा के प्रति, तो दोनों का तो साथ चल नहीं सकता। इसलिए अंत में हमको निर्णय लेना पड़ा और हमने जो भी निर्णय लिया बिहार के हित में लिया, उपलब्ध कराएंगे, यह हम लोगों का निश्चय है। हर घर तक बिजली इस साल के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी। अगर हर घर में नल का जल हो गया, हर घर में शौचालय हो गया, आपको मालूम है आज जो बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा अगर पीने का स्वच्छ पानी मिले और खुले में शौच से मुक्ति मिले। हमने नया फैसला लिया और अब काम हो रहा है बिहार के हित में। अब केंद्र सरकार का और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा सहयोग बिहार को मिल रहा है और अब जो काम हम लोग कर रहे थे उसके अलावे भी इतना काम हो जाएगा कि जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं रहे थे। तो हमने बिहार के हित में फैसला लिया और बाकी लोग सारा फैसला अपने हित में लेते हैं। जनता के हित का कोई ध्यान नहीं है, अपना हित। क्या क्या बोलते रहते हैं रोज लोग, मैं तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। मैं उनकी बातों का जवाब देकर उनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहता,
लेकिन जरा गौर से देख लीजिए क्या बोली है, क्या भाषा है, न उनकी बात में कोई दम है, न कोई तर्क है, न कोई तथ्य है, लेकिन बोलते जाना। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर चला है, सब एगो ट्विटर करते रहता है, ट्वीट करते रहेगा हर समय। जरा भाषा देखिए, शराबबंदी, अब आप सोच लीजिए, शराबबंदी जब लागू किया गया तो उसके पक्ष में मानव श्रृंखला बनी, और जो मानव श्रृंखला में मेरे साथ खड़े हुए आजकल उस शराबबंदी की आलोचना कर रहे हैं। अरे शराबबंदी के खिलाफ वही बोलते हैं जो धंधेबाज है, और कुछ धंधेबाज तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, खड़े थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं, उनके हाथ में नेतृत्व की जवाबदेही मिली, ये सब काम हम लोगों ने किया। लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम हम लोगों ने किया, कौन किया है पहले, इसे गुमराह मत होइएगा, और एकजुट होकर रिंकी रानी पांडे जी को विजयी बनाइए, हम यही आप सबसे प्रार्थना करने आए। जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा सो बताइए, जिताइएगा ना। तो आपसे पूछकर और आपके कहने पर हमने जीत का माला उनको सौंप दिया है, अब आप देखिएगा इतने वोट से जिताइए कि वो रिकॉर्ड बने इन्हीं सब